आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हो। जैसे कि आपको पता है बाकी सारे बैंक जो है और बाकी सारे बैंक्स में भी आपको पर्सनल लोन की सर्विसेज देखने को मिल जाती है, तो बाकी सारे बैंक्स में सभी बैंक्स आते हैं, जिसमें आज हम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। तो जिन भी व्यक्ति का या फिर जिस भी कस्टमर का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो वो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करने के बाद जो है वो लोग बहुत ही आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पर लोन को अप्लाई करने के कौन कौन से मेथड्स है, चाहे वो ऑनलाइन कैसे होगा या ऑफलाइन कैसे होगा, दोनों बेसिस के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं यहां पे क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म से जो है लोन का अप्लाई करो या ऑनलाइन मोड से। दूसरी चीज, कोई भी लोन लेने के लिए यहां पे आपको जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होता है, कोई भी बैंक में, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर एनीथिंग एल्स, कोई भी बैंक हो। तो ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको जो है पर्सनल लोन लेने के लिए कौन ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको पता है कि एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लोन को अप्लाई करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों को, जहां पे इस वीडियो के एंड तक में पूरा आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हो। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी होगी, वो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को समझना होगा, जो मैं स्टेप्स फॉलो करूँगा वो स्टेप्स को आपको एक्जैक्टली फॉलो करना होगा, और तब जाके आप कहीं जाके जो है लोन को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हो, पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीन काम अभी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग ये काम करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं एक फीडबैक मिल जाएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगती है। और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आके आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोज़ वॉच कर रहे हो, साथ ही आपके लोन लेने का कारण क्या है। आइए जानते हैं किस तरीके से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। तो बात करें, ये मेन वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, इसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो टाइटल है आप लोगों ने सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग टाइटल पे क्लिक करते हो, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलते ही थोड़ा सा आपको सबसे पहले तो ऊपर बढ़ना है, और यहाँ देखने को मिलेगी एक वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया है। तो वेबसाइट लिंक जैसे आपको देखने को मिले, सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, तो लिंक ऑटोमेटिक गूगल के ब्राउजर से जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, और आपके सामने जो है गूगल का एक सर्च रिजल्ट शो करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से शो होगा, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो गूगल का सर्च रिजल्ट शो हो रहा है आपके सामने भी एक्जैक्टली ऐसा शो हो सकता है। तो ये पहला केस है जब आप लोगों के सामने ये अगर ऐसा रिजल्ट शो करेगा, तो सिंपली जो मैंने वेबसाइट अंडरलाइन की हुई है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर टैप करना है और सीधा आप लोग पहुंच जाओगे loanpow.in की साइट पे। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों के सामने आप जो है जैसे वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, तो आप सीधा ही पहुंच जाओगे loanpow.in की साइट पे। तो कहने का मतलब है, दोनों केसेस के अंदर आपका पहला स्टेप कंप्लीट करने का मेन कारण ये है कि आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, और विजिट करना क्यों है इसका मैं आपको रीजन आगे चल के बताऊंगा। सेकंड स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों के फोन में जो भी ब्राउजर है जिसको आप लोग डेली यूज करते हो, अपने फोन की जो है ब्राउजर को आप लोग सिंपली ओपन कर लो। जैसे ही ब्राउजर को ओपन करोगे, गूगल का वेब सर्च इंटरफेस खुलता है, जहां पे जो ये सर्च बार होता है, सिंपली सर्च बार पे पहले तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सर्च बार पे क्लिक करोगे, अब मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर आप लोग जो है सिंपली सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpow.in। जैसे ही गूगल के वेब ब्राउजर पे आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे, तो आपके सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आ जाएगा, और जो सर्च रिजल्ट है कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग एक्जैक्टली देख सकते हो। लेकिन ये जो सर्च रिजल्ट है, ये आने से पहले मैं एक बार आपको एक्जैक्टली जूम करके दिखा दूँ कि मैंने सर्च किया क्या है। ये जो मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, जिसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी एक्जैक्टली ऐसे ही जो है इस कीवर्ड को सर्च करना है, क्योंकि अक्सर लोग इस कीवर्ड को लिखने में गलती करते हैं, और जिसकी वजह से वो गलत प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी, कीवर्ड को देख लिया, उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा, ये जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर टाइप कर दोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है, और आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा loanpow.in का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि कुछ इस तरीके से शो करेगा। वेबसाइट जैसे खुल के आ जाएगा आप लोगों के सामने, ये है कुछ ऊपर से नीचे तक, अगर आप पूरा ऊपर से शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर आपको बैंक वगैरह से लोन लेना होगा तो ही आप इस साइट पर विजिट कर सकते हो। बहुत सारे जैसे लोन्स के आज के टाइम पर बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, जैसे कि आप लोग प्राइवेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हो, एप्लीकेशन वगैरह भी लोन प्रोवाइड करवाती है। और अगर आपको एक्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर दिया या मेथड्स क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के लिए जो है इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा है, पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो काफी सारे यहाँ पे आपको अलग अलग लोन के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको बैंक लोन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको करना क्लिक है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे, तो आपके सामने बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स खुल जाएंगे, जैसे कि आपको पता है। लेकिन बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, और ऐसे में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोन सर्विसेज होंगे। तो उसमें से आपको पर्सनल लोन फाइंड करने के लिए और एक्जैक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करने के लिए आपको दोबारा से सर्च करना होगा, दोबारा इस मेन्यू बार के ऑप्शन पर टैप करना है। लेकिन इस बार आपको राइट साइड में जो ऊपर ही जो है सर्च बार में के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके आपको सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देना है, या फिर आप BOB भी लिख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये क्लिक करने के बाद आपको कर देना है सर्च। जैसे ही आप लोग ये लिख के सर्च कर दोगे, आपके सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, बिजनेस लोन क्या है, होम लोन क्या है, सारी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सिंपली हमारा आर्टिकल है बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग कैसे पर्सनल लोन कैसे लोगे और कैसे अप्लाई करोगे, ये आर्टिकल आपके सामने आ चुका है, जो कि हमारे वीडियो का मेन कॉन्टेंट
भी है। तो सिंपली आप लोगों ने इस आर्टिकल पे पहले तो रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि पहला कारण मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको साइट पे लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो आपको जो भी लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये कोई भी लोन के बारे में अगर आपको जो जानकारी नहीं होगी तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, और बहुत लोगों को होती भी है, चाहे वो अमाउंट डिडक्शन की उनके पास केसेस आते हों या फिर उनको पता नहीं होता कि वो जो लोन ले रहे हैं उन लोन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वो एक्चुअली में उनके बजट के हिसाब से सारी चीज़ काम कर पाएगी, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइट पे, तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी कि एक्जैक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, कैसे काम करता है और किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किन किन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को जो है हर किसी के लिए मैनेज कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं जितना ये दिखता है। दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई लोन्स के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात एक और ये भी है कि कौन कौन सी चीज़ों पर आपको जो है टैक्स भरना पड़ रहा है, या कौन सी चीज़ों पर प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ रही है, या कुछ हिडन चार्जेस नाम की कोई चीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस आर्टिकल में मिल जाएगा। हालांकि ये सारी मैं वीडियो के अंदर भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो से बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और अभी वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको अप्लाई लोन को कैसे करना होगा, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, आपके पास जो है प्रॉपर यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे हिंदी सहित और भी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए। अभी फिलहाल बात करते हैं आप लोग लोन को अप्लाई कैसे करोगे, जो कि अब लास्ट प्रोसेस है। अब इसके बाद जो है ये मेन ही प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान से पूरा जो है फोकस होकर देखना है। तो क्या करना है, अप्लाई नाउ की जो लिंक मिल रही है इस लिंक पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेब पोर्टल, और जिस पेज पे अभी हम लोग फिलहाल पे हैं ये जो पेज है ये पर्सनल लोन का ऑफिशियल पेज है। मतलब साइट की पेजेस तो बहुत सारी होती है, बट फिलहाल अभी आप लोग जो है पर्सनल लोन के पेज पे हो। अभी यहाँ पे हम लोग दो से तीन अलग अलग एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जिनका अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है वो कैसे लोन को अप्लाई करेंगे और उनको क्या क्या फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ ही में जिनका यहाँ पे अकाउंट नहीं है वो कैसे लोन को अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स है। देखो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप लोगों का अकाउंट है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर अकाउंट है और साथ ही में अकाउंट होने के साथ साथ आपका इंटरनेट बैंकिंग आप एक्सेस करते हो तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन में जैसे आप लोग जो है क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बड़ौदा कनेक्ट एंड कनेक्ट इंडिया का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करें और सिंपली जो है आप लोग लॉगिन कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू। इसका फायदा क्या होगा कि अगर जो जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है, अगर ये आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप इस लोन को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो जब ये फीचर अनेबल हो जाएगा तब। अब दूसरी के ऊपर बात करते हैं जिनका अकाउंट है तो सिर्फ वो इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस नहीं करते, वो ट्रेडिशनल मेथड से लोन अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, और साथ ही में जिनका अकाउंट नहीं है वो कैसे लोन को अप्लाई कर सकते हैं। देखो बैंक्स में ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे करके जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज की जा रही है, जहाँ पे उन लोगों के लिए भी लोन्स के ऑफर निकाले जा रहे हैं जिनका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है। सपोज करो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट की अकाउंट स्टेटमेंट दिखा के ट्रैक एनालिसिस को पूरा शो करके जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट क्रिएट करवाने के बाद लोन को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे फीचर्स आपको जो है बहुत जगह देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ये चीज़ आपको देती है नहीं देती, ये आपको पर्सनल कंसिस्टेंसी के बाद जो है पता चलेगा, जिसके लिए आप जो है इनके कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर पर जो है कॉल्स कर सकते हो, नीचे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू लोन अप्लाई करना चाहते हैं फिल करके कैसे वो भर सकते हैं, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर ले इस लोन के बेनिफिट्स वगैरह तो आपको पता ही होंगे। फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो ये लोन जो है 21 साल से ऊपर के हर कोई बंदा ले सकता है, और ये लोन जो है मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ में यहाँ पे जो है आपको प्रोसेसिंग फीस और बाकी सारी जो है कुछ यहाँ पे जो है फीस के रूप में भरनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखो तो प्रोसेसिंग फीस जो है अगर आप जो है यहाँ पे लोन लेते हो 1000 रुपीज़ प्लस GST लेते हो मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 10,000 प्लस जो है प्रोसेसिंग फीस होती है। प्रोसेसिंग फीस ये होता है कि लोन का अप्लाई करने से पहले जो आपको फीस एज अ पे करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी से होती है और ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल में मैंने दी हुई है। अब बात करते हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए बंदा कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। तो जाहिर सी बात है बंदा इंडियन रेजिडेंशियल होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, साथ ही में जो है जिस भी जगह काम कर रहा हो वहाँ पे 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको वर्क रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, जिस भी जगह काम कर रहा है उसका फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट और साथ ही में फीस स्लिप चाहे तो वो दिखा सकता है। इसके बेसिस पे उसके डॉक्यूमेंटेशन का पूरा तरीका कंप्लीट हो सकता है, कि उसको प्रॉपर तौर पे ये दिखाया जा सकता है कि ये बंदा एक एम्प्लॉयमेंट के साथ में काम करता है और इस लोन को जो है वो कंप्लीट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो आपको पता है कि पर्सनल लोन सबसे महंगे लोन्स में से एक कहा जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 13.45% से 17.5% के बीच में जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, और साथ ही में जो है ये अलग अलग केसेस में होता है। जैसे कि अगर आप जो है यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसके केस में कुछ अलग होता है, अगर आप इंडिविजुअल अगर सैलरीड हो तो उसके केस में कुछ अलग होता है। अब बात करते हैं आखिरी चीज़ जो कि है डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे मैंने आपको ऑलरेडी मैं आर्टिकल में बता चुका हूं, पर मैं एक बहुत कम शब्दों में कहूं तो EKYC डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब ले सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले लो जिससे आपकी पर्सनल KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। दूसरे तौर पे आती है आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और वोटर कार्ड, राशन कार्ड या पासपोर्ट आप लोग दिखा सकते हो। लास्ट चीज आती है वो है आपकी इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जिसके लिए आप फॉर्म 16 या फी स्लिप या फिर आप जो है यहाँ पे अपने जो है एक फीस रिसिप्ट दिखा सकते हो, जिसके बेसिस पे आप जहाँ पे काम करते हो उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, और साथ ही में आप एक
एम्प्लॉयमेंट भी हो, एम्प्लॉयड पर्सन भी हो, इस चीज़ की भी इन्फो पूरी वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही में अकाउंट स्टेटमेंट आप लोग को 6 महीने का हो तो दिखा दो, यानी कि अगर अकाउंट स्टेटमेंट से क्या होता है कि ट्रैक एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग कैसे फिल करोगे। तो बात करते हैं पर्सनल लोन के एप्लीकेशन फॉर्म के। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे हो, ये पर्सनल लोन के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये एक कह सकते हो कि जो है एक पर्सनल लोन की कैटेगरी में आने वाले में से है। मगर आपको जो है एक्जैक्टली ऐसा ही नहीं, कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, बट पर्सनल लोन जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप पा सकते हो। अब इस तरीके की एप्लीकेशन फॉर्म में जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर इसे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्जैक्टली मेरे पास वो पर्सनल लोन का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। बट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आप जो है 3 तरीके से पा सकते हो। पर्सनल लोन के एप्लीकेशन फॉर्म को पाने के लिए जो है आप वहाँ पर सबसे पहले तो है आप इनके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। दूसरा सबसे आसान तरीका है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। मैं वहाँ पे अभी जो है जस्ट रिसेंटली पोस्ट करने वाला हूँ कि पर्सनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा का, आप जाओ वहाँ पे उस एप्लीकेशन फॉर्म को तुरंत ही पा सकते हो। मतलब उसको आपको जो है डाउनलोड करके जो है उसको आपको प्रिंट आउट मोड में निकलवाना होगा। और तीसरा सबसे आसान तरीका है आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में आना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे, और वहाँ पे आपको सिंपली इस जो है पर्सनल लोन के एप्लीकेशन फॉर्म को जो है बोरो करना है। अब यहाँ पे आपसे मात्र और मात्र जो है 3 डिटेल्स पूछी जाती है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसके अंदर सबसे पहले आपको नाम वगैरह वो सब डालना होता है, फिर एड्रेस डिटेल, और साथ ही में आपकी इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वगैरह, फिर आपने कितना अमाउंट तक का लोन यहाँ पे लेने के लिए जो है यहाँ पे नक्की किया है, और साथ ही में कितने महीनों के लिए कितने परसेंट ब्याज पे, वो सारी चीज़ आपको जो है पूरी फिल करनी पड़ती है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बताए जाते हैं सबको अटैच करके नीरज जो आपका होने वाला है ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहाँ पे आके सिंपली सबमिट कर देना है। तो कुछ ये तरीका है जिसके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से लोन को अप्लाई कर सकते हो, और ये बहुत आसान तरीका है। मुझे लगता है लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत आती तो आप लोग जो है जरूर कॉमेंट्स करके पूछ सकते हो, या अगर आपको तुरंत भी कोई रिप्लाई चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आके फॉलो करके वहाँ पे सवाल पूछो, वहाँ पे तो मैं तुरंत जवाब दे ही देता हूँ। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर ले। बाय।